नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि इन्वेस्टर को काफी वेल्थ क्रिएट करके दिया है, काफी अच्छा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। इस वीडियो में हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं वो है अवंती फीड्स। ये काफी बेहतरीन कंपनी है और ये करती क्या है, तो देखिये लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ श्रिंप फीड्स, जो श्रिंप फीड्स है उसको लीडिंग मैन्युफैक्चर है, पैकेजिंग करती है, जो मछली होती है उससे उत्पादन से रिलेटेड ये कंपनी है। अगर कंपनी के की पॉइंट्स की बात करें तो जो इसका फील्ड का कैपेसिटी है 6 लाख मीट्रिक टन कैपेसिटी है, जिसमें से कुल 5 प्लांट्स हैं के, और श्रिंप प्रोसेसिंग जो होता है 22,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी है, जिसमें 2 प्लांट्स है। तो प्रोसेसिंग देख लिए, वही कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें 7,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। करेंट प्राइस जो कंपनी का 520 रुपीज है, और जो इसका हाई है 770 रुपीज का, ये हाई बनाया था अपना, और जो इसका लो है 250 रुपीज है। मतलब इस कंपनी में देख सकते हैं शेयर प्राइस में गिरावट आया था वो भी काफी जबरदस्त है, और जब कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आपको देखने मिलेगा तो काफी तेज मतलब मोमेंटम देखने मिलता है इस शेयर के प्राइस में, क्योंकि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आपके कंपनी के ऊपर डेट देखेंगे तो मात्र 8 करोड़ का है, जबकि प्रॉफिट देख लीजिए 350 करोड़ का। तो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, कि जो कंपनी आप यहां पर बैलेंस शीट पर देख रहे हैं डेट है कंपनी का वो लगभग 0 है, निग्लिजिबल डेट है। और इन्वेस्टमेंट देख लीजिए 1,283 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 1,600 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। काफी मतलब बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.98% का डिविडेंड यील्ड है, मतलब 1% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, तो हर चीज कंपनी का काफी बेहतरीन है। डिविडेंड यील्ड मतलब डिविडेंड देने में भी कंपनी काफी शानदार है। वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 36% का, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट काफी बेहतरीन है, ऐसी बेहतरीन कंपनी आपको काफी कम मिलेगी। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 29%, फेस वैल्यू 1 का है, इंडस्ट्री का पी 16 है और स्टॉक का पी 17.8 है। तो लगभग जो पी है स्टॉक का वो इंडस्ट्री के पी के इक्वल ही है। प्रमोटर्स होल्डिंग 43.7% है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है प्रमोटर्स का। अर्निंग पर शेयर की बात करें 25.7 रुपीज है अर्निंग पर शेयर। प्रॉफिट ग्रोथ 4% का प्रॉफिट ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट तो आपने देख लिया 350 करोड़ का। तो ये ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल्स है, जो कि कंपनी का फंडामेंटल्स काफी सॉलिड है, काफी बेहतरीन है। अगर कंपनी के बारे में और आपको अच्छे से जानना है तो आप कंपनी के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट है avantifields.com, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी सबसे पहले यहाँ पर होम है, आप अबाउट अस फील्ड यहाँ पर देखते हैं, जो फिश फील्ड है तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आप क्लिक करेंगे तो इसके सारे प्रोडक्ट आपको ओपन हो जाएंगे, जो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, नीचे कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आप प्रोड्यूसेस द फ्लोइंग इंटरनेशनल क्वालिटी फीड्स एंड क्वालिटी फीड्स फॉर प्राउन एंड फिश इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड रिनाउंड प्राउन एंड फिश फीड मैन्युफैक्चर थाई यूनियन फीड मिल्स को लिमिटेड एंड थाईलैंड एंड पेंगेटी इंटरप्राइजेस को लिमिटेड ताइवान। तो ये सारी मतलब कंपनियां जिसके साथ ये कंपनी अपना बिजनेस करती है, और जो इंटरनेशनल लेवल पर अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के जो प्रोडक्ट के कंपनी के जो साइलेंट फीचर है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो कंपनी के बारे में किसी भी कंपनी के बारे में बेस्ट इन्फॉर्मेशन लेना हो तो उसका जो वेबसाइट होता है वो सबसे बेस्ट वे होता है, आप कंपनी के बारे में वहां से आप जान सकते हैं कंपनी क्या करती है। अगर कंपनी के रिटर्न की बात करें तो कंपनी का जो पिछले प्रीवियस डे है जो रिटर्न है 2.20 रुपीज डाउन है। 5 डेज की रिटर्न की बात करें 5 डेज में कुछ खास रिटर्न है, 1 मंथ में रिटर्न की बात करें कुछ खास नहीं है, 6 मंथ में भी फ्लैट है। ईयर टिल डेट में बात करें तो ईयर टिल डेट में भी कुछ खास रिटर्न नहीं है, 1 ईयर में भी कंपनी का प्राइस अभी भी डाउन है। 5 ईयर्स में बात करें 5 ईयर्स में भी कुछ खास रिटर्न नहीं है कंपनी का, 267% का रिटर्न है 5 ईयर्स में। लेकिन मैक्सिमम ईयर में जब आप रिटर्न देखेंगे तो चौंक जाएंगे, मैक्सिमम आपको रिटर्न दिखाते हैं कंपनी जो है 2010 से अभी तक में जो रिटर्न दिया है 26,000% का रिटर्न। दोस्तों 26,000% का रिटर्न अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसके अनुसार आपको दिख रहा है, लेकिन एक समय था ये कंपनी देखते हैं 49,779% का रिटर्न, मतलब लगभग 50,000% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया था, जब अपने ऑल टाइम हाई पर इसका शेयर प्राइस चल रहा था। जब कंपनी का शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर था तो ये अपने इन्वेस्टर को 50,000% का रिटर्न दे चुका था। तो दोस्तों ऐसी बेहतरीन कंपनियां जब भी आपको गिरावट में मिलता है तो जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी आपने देखा फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी लगातार सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, और कंपनी एक एमएनसी कंपनी है, साथ ही साथ कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। तो ऐसे बेहतरीन कंपनियां
में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जो गिरावट होती है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का। अगर बात करें कंपनी के कॉर्पोरेट टैक्सन का, तो कंपनी देखते हैं डिविडेंड जो पे करती है 2020 में 2 बार डिविडेंड पे की है, 2019 में 1 बार, 2018 में 1 बार, 17 में यहाँ पर, मतलब हर साल कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है अपने इन्वेस्टर को। बोनस शेयर की बात करें, कंपनी 2018 में बोनस शेयर दे चुका है अपने इन्वेस्टर को, 1:2 का रेशियो था, मतलब 2 शेयर पर 1 शेयर फ्री दिया था। साथ ही साथ कंपनी 2 बार अपना स्टॉक स्प्लिट किया है, 10 से 2 रुपये फेस वैल्यू 15 में, मतलब अपने शेयर होल्डर के शेयर को 5 टाइम्स किया यहाँ पर, और साथ ही साथ 18 में को फिर से 2 रुपये फेस वैल्यू से 1 में स्प्लिट किया, मतलब अपने शेयर होल्डर के जो शेयर्स है उसको डबल कर दिया। तो जो स्टॉक स्प्लिट होता है बोनस शेयर, इससे आपका नंबर ऑफ शेयर्स काफी मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था इस स्टॉक के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।